नमस्कार मित्रों, एससीबी कोड में आपका स्वागत है। ये मल्टी स्पान कंपनी का और एक प्रोडक्ट है जिसका सीरीज है क्रायो सीरीज। ये पूरा कंट्रोलर वाइट डिजिट में आता है, पूरा वाइट मतलब बॉडी पे है, बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। इसका मॉडल नंबर है CC510। CC510 के अंदर सबसे बड़ी ये है कि इसको सेटिंग कैसे किया जाता है। सेटिंग करना बहुत ईजी है, आपको इसके अंदर के प्रोग्राम को सेट कैसे करना है तो सिंपल सा है। बाहर के प्रोग्राम से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेट बटन को प्रेस करना है तो सेट आएगा, सेट को प्रेस किया तो 4 डिग्री लिखा हुआ आएगा। हमको इसके अंदर सेट करना है 2 डिग्री पे सेट करना है, 2 डिग्री आ गया, इसको सेट दबा दिए तो मेन सेट पॉइंट तो सेट हो गया। अभी इसके अंदर बाकी के प्रोग्राम को कैसे सेट करना है तो इसको सेट बटन को 3 सेकंड तक हम लोग प्रेस करके रखेंगे तो SET लिखा हुआ आएगा और F1 करके प्रोग्राम आएगा, आ गया एग्जैक्टली। F1 सबसे पहला प्रोग्राम आता है जो कूलिंग मोड आता है, जो कोल्ड रूम के अंदर इसको कूलिंग मोड हीटिंग मोड दो आता है, लेकिन कूल मोड पे अपने को यूज़ करना है तो कूल मोड पे सेट कर दिया। F2 आ रहा है हाई टेम्परेचर का लिमिट आ रहा है, उसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। F3 आ रहा है लो टेम्परेचर का लिमिट। लो टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कोई कस्टमर गलती से माइनस में सेट कर देगा तो उसका कूलिंग कोइल में आइस फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसको 0 डिग्री पे सेट करना है, उसको सेट बटन दबा देने का है तो हो गया। F4 आता है आपका रिस्टार्ट, आपका जब कंप्रेसर टेम्परेचर आने के बाद में कट ऑफ होता है तो जब आपको स्टार्ट करने का होता है तो उसके बीच में कितना डिग्री का डिफरेंस रखना है, तो डिफरेंशियल अमाउंट, डिफरेंशियल डिफरेंशियल 3 डिग्री का रखा है, बराबर है, उसको सेट करके प्रेस कर देते हैं। उसके बाद में आता है F5, उसमें कुछ नहीं करना है। F6 आता है कंप्रेसर रिस्टार्ट, जब आपका टेम्परेचर आ जाता है कोल्ड रूम के अंदर -20, जब वापस -17 या फिर 0 डिग्री पे आने के बाद कट ऑफ होने के बाद में 4 डिग्री पे रिस्टार्ट होता है तो उसका बीच का टाइम डिले कितना, 2 मिनट का रखते हैं। रिस्टार्ट होने का 2 मिनट का टाइम डिले कंफर्ट है। उसके बाद में आता है E1 को कुछ नहीं करना है, सीधा जाना है और कुछ भी करना नहीं है सीधा। उसके बाद आगे जाएंगे तो DFR करके प्रोग्राम आएगा, DFR आ गया। DFR मतलब 0 मतलब क्या होता है, डिफ्रोस्टिंग सिस्टम पूरा ऑफ हो जाएगा, और 1 मतलब डिफ्रोस्टिंग सिस्टम ऑन रहेगा। तो पहले इसको 1 रखना है मतलब डिफ्रोस्टिंग ऑन रखना है, इसको ऑन कर दिया। उसके बाद में आता है F7, F7 क्या है, उसका मिनट टाइम है तो डिफ्रोस्टिंग अपने को 15 मिनट सेट करना है तो इसको 15 पे मैंने ला दिया है, उसको सेट बटन दबा देते हैं, ये आ गया। अभी F8 क्या है, F8 घंटा है, कितने घंटे का, हर 5 घंटे में 15 मिनट डिफ्रोस्टिंग जाएगा तो 5 का मतलब है 5 घंटा, अपने को 4 रखना है, 4-6 रखना है, हर 5 घंटे में मशीन डिफ्रोस्ट जाएगा और 15 मिनट तक डिफ्रोस्टिंग रहेगा। इसका प्रोग्राम पूरा सेटिंग हो गया है, थैंक यू।